अल्लाम वरहमतल्ला वबरकतु अलहमदुल्ल रबलमिन वलत वसलामला सैदिल्बिया इबलमरसलिन वही वसाही अजमिल्माबाद नाज्रीन एक मुसलमान की ज़िंदगी में बरकत की बड़ी अहमियत है एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है जब उसे सलाम करता है तो उसे बरकत की दुआ देता है कहते वरहमत ला वरकत ये बरकत क्या चीज़ है जिसकी हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं ये बरकत क्या चीज़ है कि हम नमाज़ में जब अतयात पढ़ते हैं और हम अपने नबी पर दरूद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्ला बारक अला मोहम्मद वाल आल मोहम्मद अल्लाह तो बरकत नाजिल फ़रमा मोहम्मद सल वम के ऊपर और आल मोहम्मद सल वसम के ऊपर ये बरकत क्या चीज़ है कि हम जब दुआ़नूत पढ़ते हैं वितर की नमाज़ में तो हम कहते हैं वबारिक लना फ़ीमा आती कि अल्लाह तू जो भी हमें अता करे उसमें तू हमें बरकत अता फरमा बरकत कहते हैं अल्लाह की तरफ़ से खैर और भलाई मिले और ज़्यादा मिले और बराबर परमानेंट मिले इसका नाम है बरकत बरकत का मंबा और बरकत अता करने वाला बल्कि जो ज़ात मुकम्मल बरकत वाली है वो अल्लाह की ज़ात इसीलिए हम नमाज में जब सलाम फेरते हैं तो सलाम फेरने के बाद हम एक दुआ पढ़ते हैं अल्लाम वमिन कसलाम तबा या यादल जलाली वाम कि अल्लाह तू सलाम है और तुझसे ही सलामती है और तू बरकत वाला है अ जलाल वाले और इकराम वाले तो बरकत अल्लाह देता है आज हमारी जिंदगियों में बरकत नहीं है अब आप पूछेंगे बरकत कैसे नहीं है आज तो माशाल्लाह पहले के मुकाबले में हम ज़्यादा आराम से रहते हैं आज हमारे पास ऐसी सवारियां हैं जो बादशाहों को अपने ज़माने में नसीब नहीं हुई ऐसी डिशेस हम खा रहे हैं ऐसे खाने खा रहे हैं जो अपने ज़माने के बड़े बड़े पैसे वालों को नसीब नहीं हुई आज हमारे पास बेहतरीन मकान है अच्छे खाने हैं सब कुछ है मगर खाने से हमारी भूख नहीं मिट रही है आरामदेह बिस्तरों पर हमें नींद नहीं आ रही है बेहतरीन मकानात में चैन और सुकून नहीं है इसका मतलब कि बरकत नहीं है बरकत नंबर्स का नाम नहीं है बरकत गिनती का नाम नहीं है बरकत को कैलकुलेटर में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता बरकत एक ऐसी चीज़ है जिसे हम महसूस करते हैं एक दस्तरखान पे पचास तरीके के खाने हैं ये बरकत नहीं है बरकत यह है कि दस्तरखान पे दो ही तरीके का खाना हो लेकिन आदमी उसे पेट भर के खाए और चैन से खाए और आसूदा होकर खाए ये बरकत है इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लई सस्तों तुम तर कहत साली और सूखा ये नहीं है कि बारिश ना हो बारिश नहीं हो रही है तो इसका यह मतलब नहीं कि कहत पड़ा है बल्कि कहत साली असल में यह है सूखा असल में यह है कि बारिश पर बारिश हो रही है लेकिन उस बारिश में बरकत नहीं हो रही एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको और क्लियर करते हुए फरमाया कि जिस आदमी के माल में बरकत नहीं होती उसका हाल क्या होता है कल लजी या कुल वाला यशबा जो खा तो रहा है लेकिन उसका पेट नहीं भर रहा है वो आसूदा नहीं हो रहा है तो बरकत क्यों नहीं हो रही है इस सवाल का जवाब जब हम कुरान में तलाश करते हैं तो सबसे पहला जवाब ये मिलता है कि बरकत की जो बेस है बरकत की जो बुनियाद है ईमान है ईमान के बगैर और तकवा के बगैर हम बरकत नहीं हासिल कर सकते अल्लाह ने फरमाया ولو القرى واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء कि अगर ये बस्ती वाले ईमान लाते और तकवा वाले बन जाते तो हम आसमानों और जमीन की बरकतों के दरवाजे खोल देते इनके ऊपर नाजरीन हम अल्लाह ताला को नाराज़ करके उसकी बरकत कैसे हासिल कर सकते हैं हम गुनाह करके उसकी बरकत कैसे हासिल कर सकते हैं हम गुनाहों से बचेंगे अल्लाह को राज़ी करेंगे तभी हमें बरकत मिलेगी दूसरी जो चीज़ है जिससे हमें बरकत हासिल हो सकती है शुक्र का जज्बा पैदा करें और शुक्र जो होता है ये जुबान से भी होता है शुक्र जो होता है दिल के अंदर भी होता है और शुक्र अमल के जरिए भी होता है शुक्र यह है कि अल्लाह ताला जो नेमतें हमको दे हम उन नेमतों का सही इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला उस नेमत में बरकत देता है आज हम ना शुक्र हो चुके हैं आज हमारी जुबान पर भी शुक्र नहीं है हमारे दिल में भी शुक्र नहीं और हमारे अमल के अंदर भी शुक्र नहीं अल्लाह का ऐलान है ल इन शकर तुम लजीदु वो ल इन कफ़र तुम इन नज़ाबी लदीद शुक्र करोगे तो हम और देंगे ना शुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत दर्दनाक है आज मुसलमानों की बस्तियां अगर अमन और चैन और सुकून से हैं और वह नाशुरी की रविश पर आ जाएं तो वो बस्तियां परेशानी का शिकार हो सकती हैं अल्लाह ताला ने कुरान में एक बस्ती का जिक्र किया फरमाया वज़रब वरबल मसलन करियतन कानत यातीहा रिज़्क़ुहा यह मिन रमिन मकान कि अल्लाह ताला मिसाल बयान कर रहा है एक बस्ती की कि जो अमन से रहती थी इत्मीनान से रहती थी और उसकी रोज़ी आराम से उसके पास आती थी फ़क्का फ़ौरत बेल्ला लेकिन उस बस्ती ने अल्लाह की नेमतों की दाशुक्री की तो लिबास बिमा कानू बेमाकानसनऊन तो अल्लाह ताला ने उस बस्ती को भूख मरी और खौफ के अजाब में मुबला कर दिया नाजरीन नाशुरी से बचें ना से बरकत ख़त्म होती है इसी तरीक़े से नमाज की पाबंदी करने से बरकत आती है नमाज छोड़ देने से अल्लाह ताला अपनी बरकत छीन लेता है फ़जर की नमाज़ के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जमात के साथ फजर की नमाज़ पढ़े फ़ह अफी ज़िम्मत वो अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाता है अल्लाह की पनाह में आ जाता है जाहिर फजर की नमाज़ छोड़ के हम बिजनेस में लग रहे हैं कारोबार में लग रहे हैं तो उस कारोबार में बरकत नहीं होगी इसीलिए अल्लाह तला ने मोमिन बंदों की पहचान बताई कि वो अपने कारोबार की वजह से अपनी नमाज को नहीं छोड़ते फरमाया वला अन सलात इता मेरे नेक बंदे वो हैं उनकी तजारत और कारोबार उनको नमाज से और अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकता है नाजरीन कभी भी अपने कारोबार के लिए नमाज को ना छोड़े अगर हम बरकत हासिल करना चाहते हैं कारोबार में सच बोलें ईमानदारी से काम करें ट्रांसपेरेंसी से काम करें अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिन सदका वा बुरी अगर लेने और देने वाले खरीदने और बेचने वाले दोनों तो सच बोलें और साफ़ साफ़ बात करें अल्लाह बरकत देता है व इन कतमा व कज़बा व ही बई इमा और अगर झूठ बोलें और बेईमानी करें तो दोनों की बरकत छीन ली जाती है बरकत ना होने की एक वजह यह भी है आज मुसलमानों की अक्सरियत बरकत वाले टाइम तो सोई रहती है जिस वक्त के बारे में नबी ने दुआ की अल्लाह मबार्कल उम्मीफी बकूर यहाँ आए अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत दे आज उस वक्त गैर मुस्लिम उठ करके अपना कारोबार शुरू कर देता है अपनी एक्टिविटीज़ शुरू कर देता है हमारा मुसलमान भाई सोया रहता है तो बरकत के टाइम हम सोए हैं तो बरकत कहाँ से आएगी और आखिरी चीज़ बरकत हासिल करना है इस्तगफार कसरत से करें इस्तगफार से भी बरकत आती है अल्लाह ताला ने कुरान के उनतीसवें पारे में फरमाया कि हज़रत नू अलैहि सलाम अपनी कौम से कहते हैं कि इसत फ़िर अपने रब से इस्तगफार करो इन नगफ़्फ़्फ़ारा वो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है युरसलसम समा अलैकुम मद्रारा तुम इस्तिगफार करोगे वो मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा वयम दिद कुम बे अम वन माल और औलाद देगा व यजालम जन्नात व अनहारा तुम्हें बाग़ात देगा तुम्हें नहरें देगा तो बरकत हासिल करने के ये चंद असबाब हैं इनको अगर हम अपना लें इन श्ला हमारे कारोबार में हमारी रोज़ी रोटी में बरकत आएगी और अगर हमने इनको नहीं अपनाया तो बरकत छीन ली जाएगी अल्लाह से दुआ है आलमीन हम सबको बरकतों से अता फरमाए हर किस्म की दुनियावी और उखरवी बरकतें हम पर नाजिल फरमाए आमीन असलम वरह वक्त ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें